शास्त्र सनातन ज्ञान YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चाणक्य नीति में बताया गया है कि पत्नी से अगर पति इन तीन चीज़ों की मांग करता है तो पत्नी को उसे मना नहीं करना चाहिए और यह शादीशुदा लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ, पति जब भी मांगे ये तीन चीज़ तो पत्नी को हर हाल में करना चाहिए पूरा। आखिर वो तीन चीज़ क्या है, वीडियो को ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा। महान अर्थशास्त्री और कूटनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य अपनी नीतियों में स्त्री और पुरुष को लेकर कई नई बातें बताई है, जिसको फॉलो करके शादीशुदा लाइफ को खुशहाल बनाया जा सकता है। चाणक्य नीति में उन बातों का भी जिक्र किया गया है जिनका पालन करने से मैरिड लाइफ खुशहाल रहती है। और साथ ही साथ आचार्य चाणक्य ने बताया है कि अगर पति तीन चीज़ों की मांग करता है तो पत्नी को हर हाल में पूरा करना चाहिए। जी हाँ, और वो तीन चीज़ क्या क्या है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और साथ में बेल वाले आइकन को प्रेस करके रखना ताकि हर टाइम जो है सबसे पहले आप वीडियोस को देख पाओ। तो पहला क्या है, पति को हमेशा देना है सुकून। कोई भी पुरुष जब सबसे ज़्यादा परेशान होता है तो वो अपने पार्टनर से खास तरह का सपोर्ट चाहता है और चाणक्य नीति में भी इस बात का जिक्र किया गया। आचार्य चाणक्य के अनुसार कहा गया कि पत्नी का कर्तव्य है कि वह पति की सभी चीज़ों का ध्यान रखे और जब वह उदास हो तो उसके मन को शांत करने की कोशिश करे। पति जब भी किसी बात को लेकर परेशान हो तो पत्नी का कर्तव्य है कि वह उसे सुकून दे। ऐसा नहीं करने पर रिश्ता खराब हो सकता है। दूसरा, पति को प्रेम से करे संतोष। आचार्य चाणक्य के अनुसार पति पत्नी का रिश्ता तभी सफल हो पाता है जब दोनों एक दूसरे के सुख और दुख का ख्याल रखते हैं। चाणक्य नीति में यह बताया गया है कि पति के प्रेम की चाहत को पूरा करना पत्नी का कर्तव्य होता है और उसे हमेशा अपने प्रेम से संतुष्ट करना चाहिए। हालांकि पति का भी कर्तव्य होता है कि वह पत्नी की चाहत को पूरा करे। ऐसा नहीं करने पर पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े होते हैं और रिश्ते भी खराब होते हैं। तीसरा, वैवाहिक जीवन में दरार को करें खत्म। खुशहाल वैवाहिक जीवन के लिए जरूरी है कि पति और पत्नी एक दूसरे के बीच कभी भी दूरी ना आने दें। चाणक्य नीति के अनुसार पत्नी का कर्तव्य होता है कि वह कभी भी वैवाहिक जीवन में दरार ना आने दें। हालांकि आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में इस बातों का भी जिक्र किया है कि पति को भी अपने पति पत्नी के प्रति ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि वो कौन सी तीन चीज़ें हैं जो पति जब भी मांगे तो पत्नी को देना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। आपके मन में कोई भी सवाल है कोई सुझाव तो नीचे कमेंट में जरूर दीजिए।